अब इस शबाब का इस्तेमाल करेंगे। गुलंदाम आबी शबाब सुर्ख रंग इख्तियार करता जा रहा है। ये तो आबी शबाब की असर सख्त हो जाने की निशानी है। बूढ़ी हो जाऊंगी, मेरी 1800 साल की जवानी बर्बाद हो जाएगी, मेरा हुस्न छिन जाएगा। मगर मल्लिका, ये हादसा हुआ कैसे? ये हादसा नहीं, ये एक सोची समझी साजिश है। साजिश? हाँ, इस आबे शबाब को पाने के लिए उस आदमजात मक्कार अय्यार ने और उस किरदार महजबीन ने मुझे धोखा दिया है। यकीनन ये अशर्फियां झूठी है जिसे मैंने आबी शबाब के नजराने के तौर पर आबी शार में डलवा दिया था और जिसकी वजह से आबी शबाब का शबाबी असर खत्म हो गया है। कहाँ है वो अशर्फियां? दिखाओ मुझे, दिखाओ। ऐ मेरे बंदे के बंदे, जिब्रान के समझदार वफादार परिंदे, आखिर तू सामरी के दरबार में आ ही गया। हाँ सामरी, मगर आज मैं अकेला ही आया हूँ और एक बुरी खबर लाया हूँ। सामरी को अपने सारे बंदों की खबर है, तू यही खबर लाया है ना कि तेरा आका शीशे की दीवारों में कैद हो गया है। हाँ काई, मेरे आका को बचा लीजिए। आका सामरे, मेरा आका बड़ी मुश्किल में फंस गया है, उसे आपकी मदद की जरूरत है। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, मेरे आका को बचा लीजिए, फिर मुसीबत से छुड़ा लीजिए। ऐ दिलिस्ती परिंदे, तो अपने आका के लिए मुझसे दुआ मांग रहा है,
तोता होकर तोता चश्मी नहीं कर रहा है बल्कि नमक हलाली कर रहा है। मेरे बंदे के बंदे, तू रहता तो है शैतानों के बीच मगर तेरे जज्बात इंसानों जैसे हैं। मुझे खदशा है, डर है कि तेरी नेकियां तुझे हम शैतानों से जुदा न कर दें। तेरे जज्बात में हमदर्दी है और बातों में ओढ़ापन है। तू सामरी को भी अच्छा लगने लगा है मगर देख कहीं तू हमसे दगाबाजी न करना, हमें छोड़कर इंसानों में न चले जाना। अब भी तो एक इंसान के साथ ही रह रहा हूँ, मेरे आपा इमरान भी तो आखिर इंसान ही है। हाँ मगर तू नहीं जानता मासूम परिंदे, तेरा आका एक ऐसा इंसान है जिससे शैतान भी शर्माते हैं। आकाई मैंने आका जिब्रान से वादा किया है कि उन्हें कैद से रिहाई दिलाऊंगा वरना कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा। मेरी मदद कीजिए, जिब्रान की रिहाई की तरकीब बताइए। जिब्रान ने मेरी बड़ी खिदमत की है, बड़ी इबादत की है, उसकी इबादत मुझ पर फर्ज है, उसे छुड़ाना मेरा फर्ज है। ऐ दिलिस्मी अजूबे, ऐ बेमिसाल परिंदे, गौर से सुन, मेरे खतों में जो काला फल है, जो नजराना है, उसे देख और उसे उचक ले। इस फल को अपनी चोंच में मजबूती के साथ पकड़ ले और बाहिफाजत जबले खाक तक ले जा। ठीक है आकाई। और जिस शीशे के कैद खाने में जिब्रान कैद है उस पर या सामरी कहकर ऊंचाई से उसे छोड़ दे, हल्की चोट और दिलिस्मी असर से कैद खाने की दीवारें चकना चूर हो जाएगी। मेरा आका और मेरा बंदा जिब्रान आजाद हो जाएगा। इस नवाजिश करम और इनायत का शुक्रिया आकाई। मैं भी ये सियाह दिलिस्मी फल लेकर जाता हूँ और अपने आका जिब्रान को बचाता हूँ। कनीजों उठो, देखो कौन आया है। सनम बाजी आप आ गई। बाजी हुजूर, अम्बख्तों ये अंधेरा क्यों कर रखा है। अरे मैं बाहर गई थी, मर तो नहीं गई थी ना। जाओ जाकर रोशनी करो। जी बाजी, आपके हुस्न और जलवे के बगैर इस दीवान खाने की तो रौनक ही उड़ गई थी। हाँ बाजी, शमा जलाने से क्या भला वो रौनक लौट सकती थी। अगर अब इस दीवान खाने में कभी अंधेरा नहीं होगा, तारीकी का राज नहीं होगा, क्योंकि अब हमारे इस लाजवाब हुस्न के जलवे हमेशा जगमगाते रहेंगे। रंग और नूर की वो बरसात होगी जो कभी थमने में भी नहीं आएगी। ये आप क्या कह रही हैं बाजी हुजूर? अपनी जिंदगी के जिस मकसद को हासिल करने के लिए मैं अपने हुस्न, अपनी अदाओं और अपने जलवों का नजराना सिर्फ एक अमीर नौजवानों से वसूल करती थी, वो मकसद पूरा हो गया है। हुँ? पहले का सुनो,
तुम भी सुनो। जमाना बदल जाएगा, दुनिया की हर शय बदल जाएगी, हर शय फना होगी, हर शय तबाह होगी, बर्बाद हो जाएगी, मगर मेरा हुस्न शांति उस चांदी की तरह अपने जलवे लुटाता रहेगा। हाँ, उस चांद की तरह जो कायनात की इब्तिदा से अपने जलवे लुटाता रहा है और कायनात के इंतहा तक लुटाता रहेगा। बाजी हुजूर, ये आप क्या पहेलियां बुझा रही हैं? हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा बाजी हुजूर। मैं समझाता हूँ। ये क्या पहेली है? पहले तो इस हुस्ने लाजवाल को आदाब। जलाल, आदाब करते हो और महफिल में आने के अदब भूल गए? क्यों किसी नाज़नीन की महफिल में चोरों की तरह आने का क्या मतलब है? तुम मुझे चोर कह रही हो? अनीसो, तुम दोनों क्या हो? ठहरो, ये तो सुनती जाओ। ये महजबीन सनम कोहे काफ से आवे शबाब के आफसार का प्याला पीता है। मैंने कहा ना, तुम दोनों जाओ। अनीसों के सामने अपनी चोरी का कारनामा नहीं सुनना चाहती? क्यों? चोरी का? कौन सी चोरी? सीधे सीधे बताओ महजबीन, तुमने मुर्गे साहब का अंडा क्यों चुराया? जब तुम जान ही गए हो तो ये भी जान लो, वो मेरी मजबूरी थी। सदा जवान रहने की ख्वाहिश ने मुझसे ये सब करवाया। अच्छा, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं सदा जवान रहूं, हसीन रहूं और तुम्हारा दिल बहलाती रहूं? क्यों जलाल? जाने मन, तुम्हें हसीन और जवान देखते रहने के लिए, तुम्हारे लबों की लाली के लिए मैं अपना खून भी दे सकता हूं, अपनी जान भी दे सकता हूं, अगर तुम्हें वो अंडा नहीं चुराना चाहिए था। क्यों जलाल? इसलिए कि उससे मेरे दोस्त जिन की तिलिस्मी कुवत यानी उसकी जादुई ताकत जुड़ी हुई है। अब मैं समझी, तुम्हें आबी शबाब के लिए मेरे कोहे काफ जाने का राज तुम्हें उसी जिन ने बताया होगा। ये उसकी तिलिस्मी करामात है। अब न सिर्फ वो तिलिस्मी कुवत बल्कि मेरे दोस्त की जान भी खतरे में पड़ गई है। मुझसे बड़ी भूल हो गई जलाल। इससे बड़ी भूल तुमने ये की कि जिब्रान जादूगर की मदद कबूल की। वो शैतान का चेला है, तुम्हें उसे जरूर नुकसान ही पहुंचेगा। देखा जाएगा। इस वक्त तो मैं फायदे में हूँ क्योंकि मैं लाजवाल हुस्न की मालिक बन गई हूँ। आका, तिलिस्मी कुव्वत के बिना जिन कितने मजबूर हो जाते हैं। कितने दिन हो गए जादुई कुव्वत ना होने के सबब में अपने भाई रियासत की खैरियत तक मालूम न कर सका। कई दिनों से न भाई रियासत की शक्ल देखी है, न आवाज सुनी है। फिक्र मत करो जीने दौलत, हौसला रखो, मुझे भी अपने भाई बिलाल की बहुत चिंता सता रही है। बस चांदी परी गई है खबर लाने, आती होगी।
तुम आगे जान परी, बताओ मेरे भाई रियासत का क्या हाल है, बताओ। और मेरा भाई बिलाल कैसा है? मैं तुम्हें बिलाल का हाल बताकर सदमा पहुंचाना नहीं चाहती हूँ, मगर हालात की संगीनी को समझने के लिए सब कुछ सच बोलना जरूरी हो गया है। तुम खुद ही अपनी आंखों से देख लो। गुलफाम ने धोखे से काम लेकर बिलाल को आधा पत्थर का बना दिया है। मैं उस गुलफाम को छोड़ूंगा नहीं। नहीं जलाल, ये काम इतना आसान नहीं। इस वक्त हमें एक अकेले गुलफाम से नहीं बल्कि दो दुश्मनों से मुकाबला करना है। मगर मुश्किल ये है कि दोनों दुश्मन अलग अलग जगहों पर हैं। एक तरफ गुलफाम है जिसके पंजों से शहजादी हुस्नारा को बचाना है, तो दूसरी तरफ जादूगर चिपटान है जिसे मुर्गा सादत के अंडों को बचाना है। कुछ भी हो, मैं उस गुलफाम को छोड़ूंगा नहीं। मैं उस बदबख्त की जान ले लूंगा। गुलफाम के पीछे वही कार तक जाना बहुत मुश्किल है जलाल। गुलफाम की जान लेना भी कोई हंसी खेल नहीं है। उस चालाक और मकार जिन ने अपनी जान एक तिलिस्मी परिंदे में छिपा रखी है, और वो तिलिस्मी परिंदा वही काफ में कहाँ है वो गुलफाम के सिवा और कोई नहीं जानता। मेरा तो जी चाहता है कि मैं उड़कर कोहे खाफ पहुँचूं, गुलफाम से समझूं, सारा हिसाब बेबाक करूं, मगर क्या करूं, मजबूर होकर रह गया हूँ। नहीं जिने दौलत, पहले हमें बिलाल के पास जाना होगा। जल्दी करिए, क्या तुम हमें अपने परों पर बिठाकर आनन फानन भाई बिलाल के पास नहीं पहुंचा सकती? नहीं जलाल, मैं किसी आदमजात को तो लेकर उड़ सकती हूँ, मगर किसी जिन को उठाने की कुव्वत मुझ में नहीं है। और जाहिर है कि तुम दोनों को साथ में ही जाना है। एक काम करती हूँ, तुम्हारी मदद की एक सूरत हो सकती है। जलाल और भाई दौलत, तुम दोनों चांदनी रात में अपना सफर शुरू करना, और रवानगी से पहले इस गेंद को रास्ते में छोड़ देना। ये तिलिस्मी गेंद है, तुम्हारी रहनुमाई करेगी, यानी तुम्हें अपने भाई बिलाल के पास ले जाएगी। ये गेंद को छोड़ते ही वो आप ही आप आगे बढ़ेगी, और तुम इसके पीछे चलना और चलते रहना। लो ये गेंद। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आका, आज चांदनी रात है, हम आज ही आका बिलाल से मिलने के लिए रवाना होते हैं।
जरूर, मगर यहां से रवाना होने से पहले मैं महजबीन सनम से अलविदा तो कहूंगा।